युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि सरकार द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया गया है और मुझे मेरे निवास झाबुआ से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। सरकार के दबाव में ही पुलिस द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। बता दें कि विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने बड़ी विनम्रता से उन्हें बिना चालान दिए ही छोड़ दिया। देखिए, ये जो असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है इसके विरोध में हम कोर्ट जाएंगे और ये न्यायालय के माध्यम से इस बात को बुलंद करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस को कठपुतली की तरह उपयोग करा जा रहा है, गलत उपयोग करा जा रहा है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी द्वारा सरकार द्वारा। देखिए, कल ये घटनाक्रम पूरे दिन का है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 350 किलोमीटर भोपाल पुलिस को, जीआरपी पुलिस को झाबुआ भेजा गया, वहां से गिरफ्तार करा गया। वहां पर यह बताकर गिरफ्तार करा गया कि न्यायालय द्वारा हमको निर्देशित करा गया है गिरफ्तार करने के लिए, भोपाल लाया गया, पहले हबीबगंज थाने ले जाया गया, फिर भोपाल थाने ले जाया गया। उसके बाद ये बताया गया कि स्पेशल कोर्ट लगी है, उसमें आपको जाना है। वहां जाकर सीधे सीधे जब कोर्ट में हमसे बात करी गई, हमने बोला उनको लॉयर भी नहीं चाहिए, हमें जमानत की अर्जी भी नहीं देनी, हमें कोई तथ्य नहीं रख रहे, आपको जो सही लगता आप कीजिए। और मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने साफ साफ ये निर्णय दिया कि जो तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है, अन्यायपूर्ण है और आपको बिना मुचलके के, बिना किसी शर्तों के जमानत दी जाती है। और रात तक आते आते ये साबित हो गया कि पुलिस दबाव में काम कर रही थी और न्यायालय का उनको किसी भी तरह से संरक्षण नहीं था। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।